अब खबरें विस्तार से बात करेंगे सीजीपीएससी घोटाले की, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में छापेमारी की जा रही है। बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी में सीबीआई छापेमारी कर रही है। बिलासपुर में कांग्रेस के नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पर छापेमारी की गई है। दुर्ग में अमृत खलको के यहां पर छापेमारी। धमतरी में पीएससी के पूर्व चेयरमैन के घर छापा मारा गया है, तो पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के घर भी छापेमारी की जा रही है। तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। एफआईआर दर्ज के बाद सीबीआई की टीम पहुंची है। 5 से 10 सदस्यीय टीम है जो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, चाहे वो बिलासपुर हो, दुर्ग हो या धमतरी हो। इन जगहों पर सीजीपीएससी घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में छापेमारी की जा रही है। बिलासपुर में कांग्रेस के जो नेता हैं राजेंद्र शुक्ला, उनके घर पर छापेमारी हो रही है। तो दुर्ग में अमृत खलको के यहाँ पर रेड चल रही है। धमतरी में भी पीएससी के पूर्व चेयरमैन के घर पर छापेमारी की जा रही है। तो पीएससी के जो पूर्व में चेयरमैन है टामन सिंह सोनवानी के घर पर छापेमारी चल रही है धमतरी में। तो ये तीन तस्वीरें हैं और तीनों ही तस्वीरों में सीबीआई की छापेमारी को लेकर गतिविधियां अहम हो जाती हैं। कांग्रेस के नेता के घर पर सीबीआई का छापा, हालांकि अभी और समय लगेगा, कुछ भी अभी जानकारी नहीं मिली है, नजर बनी हुई है। और साथ ही इस घोटाले में जिनके भी नाम हैं उनके यहां पर छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। सीजीपीएससी घोटाले के वक्त जो लोग बड़े पदों पर आसीन थे, जो बड़े पद पर कार्य कर रहे थे, वो भी रडार पर हैं, चाहे वो पीएससी के पूर्व चेयरमैन क्यों ना हो। टामन सिंह के घर पर भी छापेमारी चल रही है। धमतरी से अभिषेक संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, यहाँ दुर्ग में भी छापेमारी चल रही है और दुर्ग में जैसा कि बताया जा रहा है अमृत खलको के यहाँ पर छापेमारी हो रही है, क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? जी बिल्कुल ठीक कहा, पीएससी घोटाले के मामले में सीबीआई जांच कर रही है और जांच के तहत में आज सुबह से ही जो राज्यपाल के पूर्व सचिव हैं उनके यहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई है। तालपुरी में इनका ये निवास है, वहां पर आज सुबह से ही अधिकारी पहुंचे हुए हैं। अमृत खलको राज्यपाल के पूर्व सचिव कहलाते हैं, जिनके यहाँ पर ये दबिश दी जा रही है। पीएससी घोटाले से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिनकी छानबीन करने के लिए आज सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। बताया ये भी जाता है कि तालपुरी के अलावा जो है इनका रिसाली में एक और निवास है, वहां पर भी अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो सुबह से अधिकारी पहुंचे हुए हैं, छानबीन की जा रही है और उसके बाद में ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार पीएससी घोटाले में इनका किस तरह से इनकी संलिप्तता थी, किस तरह से इनकी भूमिका थी, उसकी जांच की जा रही है। बताया ये भी जाता है कि अमृत खलको के जो बेटा और बेटी है उनका भी चयन जो है वो पीएससी में हुआ था, तो ये देखा जाएगा कि क्या उनका चयन वो सही हुआ था या उसमें भी कुछ घालमेल नजर आ रहा है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिनकी जांच आज सीबीआई की टीम कर रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में ये कार्रवाई की जा रही है, उसके तहत में आज भिलाई में भी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। ठीक है, धमतरी की ओर भी रुक करेंगे अभिषेक। धमतरी में पीएससी के जो पूर्व चेयरमैन है उनके घर पर छापेमारी चल रही है, क्या अपडेट? सीबीआई की टीम पहुंची थी, करीब 4 घंटे तक घर के अंदर लोगों से पूछताछ की गई, उसके बाद टीम वापस लौट चुकी है। साथ में बता दूं कि टामन सिंह सोनवानी जो चेयरमैन थे पीएससी के, और जो घोटाला हुआ उसमें सबसे प्रमुख चेहरा टामन सिंह सोनवानी ही हैं, और अब जो सीबीआई है सब बड़े चेहरों के ऊपर हाथ डाल रही है, जाँच में उनका ले रही और बयान लिए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि टामन सिंह सोनवानी के परिवार के 3 लोगों का भी पीएससी परीक्षा में चयन हुआ था, इसलिए टामन सिंह सोनवानी से कड़ाई से पूछताछ होना लाजमी है। और कहीं ना कहीं घोटाले के जो सूत्र निकलेंगे वे ये माना जा रहा है कि टामन सिंह सोनवानी के घर से ही निकलेंगे और सीबीआई का ये पहला निशाना हो सकता है। अगर सीबीआई इसमें विस्तार से जांच करती तो और कई बड़े चेहरे के सामने आ सकते हैं। अंशिका, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, मिथिलेश आपका भी और बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी। और ग्राउंड जीरो में आज बात हम करेंगे भिंड की, जहां अंतिम सफर का रास्ता
मुश्किल हो चला है। खास बात यह कि कई जगहों पर मुक्तिधाम है लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे बिलासपुर में रेलवे की मनमानी की। लोग आरोप लगा रहे हैं कि रेलवे ने पार्किंग को लेकर जो नए नियम तय किए वो लोगों की समस्या कम करने के बजाय बढ़ाते हैं। ग्राउंड जीरो में जानेंगे कौन है इसका जिम्मेदार और सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले बात भिंड की। भिंड में मनोहरपुरा गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार शमशान की जगह घर के बाहर करना पड़ा। परिजनों के मुताबिक शमशान तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से रास्ता बनाने की गुहार की लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। हालात ये कि ग्रामीणों को घर के बाहर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। इस बात की खबर लगते ही एसडीएम ने मौके पर जांच के लिए एक टीम भेजी है लेकिन अब तक रास्ता बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मैं कल मैंने मीटिंग भी ली थी जो सब इंजीनियर और हमारे असिस्टेंट इंजीनियर हैं उनके द्वारा बताया कि गोहद ब्लॉक में लगभग 4 से 5 जगह पर ऐसी समस्या है। यहाँ पर या तो मुक्तिधाम नहीं है या फिर वहाँ पर रास्ते में रास्ता आने जाने के रास्ते की इशू है। तो इसके लिए पटवारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और उनसे चिन्हित करवाकर जो भी शासकीय मद की जो जमीन होगी उनमें से रास्ता प्रदान किया जाएगा तथा जहां पर भी मुक्तिधाम नहीं है वहां पर नए मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाएगा और जहां पर भी मेंटेनेंस की आवश्यकता है वहां पर। एडोरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले मनोहर कपुरा यहां पर जो मुक्तिधाम में मुक्तिधाम के पहुंचने का जो मार्ग है वो पक्का ना होने के कारण लेकिन न्यूज 18 की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की तो पक्का रास्ता और कच्चा रास्ता छोड़िए जो खेतों के बगल से जो मैदान होता है पगडंडियां होती है छोटी होती है दो पैर रखना भी बमुश्किल निकलने जैसा होता है। न्यूज 18 की टीम ने जिस जगह अंत्येष्टि की थी उस जगह से और इस वक्त टीम पहुंच चुकी है जिस जो मुक्तिधाम है शमशान घाट है वहां पहुंच चुकी है और देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो अंतिम संस्कार किया जाता है। और हाल ही में आप देख सकते हैं कि जो मुक्तिधाम पहुंचने के लिए हमें भी मुश्किल निकलना पड़ रहा है और जिस जगह ये अंत्येष्टि की जाती है ये सब रखने की जो जगह है और यहाँ पे अंत्येष्टि की जाती है लेकिन खास बात ये है हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि अगर यदि यहाँ किसी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है उसके बाद अगर यदि पानी बरस रहा है तो यहाँ पे भी करना मुश्किल भरा रहेगा क्योंकि ऊपर से पानी भी आता होगा। और अब सीधे ग्राउंड जीरो यानी भिंड लिए चलते हैं। सहयोगी रवि रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि रमन से और ज्यादा जानकारी लेंगे कि आखिरकार रवि सबसे बड़ा सवाल यही कि अंतिम सफर का रास्ता कब, ये जो सवालिया निशान लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये कब तक हटेगा रवि? जी ललित, आपने जो सबसे बड़ी जो क्वेश्चन मार्क वाली बात कही है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो यहाँ के एमएलए प्रशासनिक अधिकारियों नहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे भी उठा रहे हैं यहाँ के लोग। न्यूज 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। गोहद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला जो एडोरी ग्राम पंचायत है उसका मनोहर कपुरा गाँव में है और इस वक्त हम उस गमगीन माहौल में है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम उस उन लोगों के आंसू पहुंचने के लिए ग्राउंड जीरो पर है। इस गांव की सबसे बड़ी व्यथा ये है कि यहां पर मुक्तिधाम तो बना दिया गया है, लोगों को बताने के लिए कागजों में घोड़े दौड़ाने के लिए यहां मुक्तिधाम तो दिखा दिया गया लेकिन वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर मौके पर पहुंचकर सब लोगों से बात की। यहां हम जानने का प्रयास करेंगे आपके कौन थे और कैसे खत्म हुए और क्या आपको घर पे अंतिम संस्कार करना पड़ा ये नौबत। हमारे भाई साहब बड़े नगर से थे और बाहर से कितनी आबादी होगी इस गांव की? इस गांव की आबादी होगी कम से कम 1500 आदमी के करीब। कितने मतदाता हैं इस गांव में? मतदाता 915 मतदाता है। लेकिन क्या लगता है आपको स्थानीय जनप्रतिनिधि वाला आला अधिकारी क्या करते हैं? अभी तक क्यों नहीं सुनवाई हुई आपकी? आते हैं, अनुशासन दे जाते हैं।
तो आप लोगों ने ये मुक्तिधाम जो अंतिम संस्कार जो किया है वो कौन थे आपके, कितनी उम्र? हमारे बड़े भाई थे, 60 साल की उम्र होगी। गांव में ऐसे और भी नमूने पेश हो चुके हैं अपने जीवन में आपने? कई बार भाई अन्य हरकतें आती हैं, सड़कों पे जलाते हैं, कई बार किसान में नहीं आ पाते हैं बारिश के कारण। चौमा लोगों के मन में जो व्यथा है वो लगातार साफ करने का प्रयास करेंगे और हम बिल्कुल दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर गम का माहौल बना हुआ है ललित जी, और यहाँ पर महिलाएं जो है वो उस दिन से लगातार रो रही हैं, और सबसे बड़े आंसू तो यहाँ पर वो उन लोगों के भी निकल रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए उन्हें रास्ता भी नहीं मिला है यहाँ के जनप्रतिनिधियों और आला अफसरों को लेकर। किस तरह से आप देख सकते हैं, बड़ा मार्मिक दृश्य है ललित जी। आप मैंने अपने अभी तक के लाइफ में कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि अभी तक हमने टीन सेट अंतिम संस्कार होते हुए देखे हैं, मुक्तिधाम के अभाव में अंतिम संस्कार होते देखे हैं, लेकिन यहाँ पर पहुंच मार्ग ही नहीं है। मैं खुद मौके पर पहुंचा था तो मैंने देखा था कि पगडंडियों होते हुए जाना पड़ा, जो खेत की जो मैड़ा होती है, चूंकि ये धान। बिल्कुल, आपने जो तस्वीरें भेजी है रवि, जो लोगों से आपने बात की, कितने बड़े हैरत की बात है। और सबसे बड़ी अदालत कहती है कि शवों का भी सम्मान होना चाहिए, इससे बड़ा अपमान होगा क्या। बहुत धन्यवाद रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए, सहयोगी रवि विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर, बिलासपुर में रेल प्रशासन ने पार्किंग को लेकर जो फैसला लिया वो सवालों के घेरे में है। रेलवे ने 1 किलोमीटर के दायरे को नो पार्किंग एरिया बना दिया, यही नहीं प्रबंधन ने एक सड़क को भी रेलिंग लगाकर बंद कर दिया। पार्किंग एरिया के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर 200 से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। सड़क बंद करने से भारत माता स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी हो रही है, वहीं नो पार्किंग एरिया का दायरा बढ़ाने से यात्रियों को स्टेशन पहुंचने में दिक्कत हो रही है। रेलवे प्रशासन का तर्क है कि ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ऐसा किया गया, जबकि लोगों का कहना है कि रेलवे ने मनमाने तरीके से नो पार्किंग एरिया बना दिया है। क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है जो मनमाने ढंग से रेलवे प्रक्षेत्र के आला अधिकारी यह डिसीजन ले रहे हैं। और लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है इन सब चीज़ों को लेके कि लोग ना पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, और पार्किंग में चलिए रखने के बाद अवैध वसूली होता है। लोग थोड़ा सा दूर में रखते थे, रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा दूर में रख के किसी को भी अपने पेरेंट्स को छोड़ना है तो तुरंत छोड़ के निकल जाते थे। वैसा ना करके अगर आप पार्किंग के जगह से थोड़ा दूर भी रखते हैं तो उसको लेकर जबरदस्ती वसूली करना, 200 से लेकर 500 रुपए तक का अवैध वसूली करना, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य कारण है। तो इन्होंने एक फरमान जारी किया है कि अपने गाड़ियों को एक सर्कुलेटिंग एरिया से रखना है, और उसे महेश स्वीट से लेकर और जो आपका अजमानी रेस्टोरेंट है, इस यहाँ तक उन्होंने अपना दायरा सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाया है। लोग अपने साथियों को, अपने परिचितों को जो स्टेशन छोड़ने आते हैं, पिक एंड ड्रॉप की जो उनकी सुविधा है उनको उन्होंने व्यवस्था को बंद कर दिया है। अपनी गाड़ी उन्होंने 1.5 किलोमीटर दूर रखने का आदेश जारी किया है। ये रेलवे की तानाशाही रवैया है और इस पर बिल्कुल विरोध होना चाहिए। लोगों का इस पर आक्रोश बढ़ते जा रहा है, बिलासपुर की जनता इस आक्रोश का बराबर हिसाब लेगी। रेलवे स्टेशन का जो एरिया होता है वो एक बिजी एरिया होता है, वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि पार्किंग की समुचित नियमों का पालन हो, लोग आए पार्क करें और अपना कार्य करने के बाद वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके जाएं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग पार्किंग एरिया के अलावा अलग अलग जगहों पर पार्किंग कर देते हैं, इसलिए रेलवे के आसपास के क्षेत्रों को जहाँ पे पार्किंग नहीं है वहाँ पे नो पार्किंग जोन बनाया गया है, और वहाँ पर गाड़ी खड़े किए जाने से वहाँ पर जो नियम संबद्ध कार्रवाई है वो की जाएगी। रेलवे प्रशासन के एक फरमान ने यहाँ के लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। वो फरमान ये है कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 1 से 1.5 किलोमीटर तक इस तरीके से नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है, जिससे यात्रियों को छोड़ने वाले जो परिजन है उन्हें 1 किलो या 1.5 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ियों को खड़ा करना पड़ता है, जिन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर इन्हें पैदल चलना पड़ता है। इतना ही नहीं, रेलवे प्रशासन ने एक और फरमान जारी किया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो
रेलवे परिक्षेत्र में लगभग 50 से अधिक सड़कें हैं, उनको ब्लॉक कर दिया है, जिससे जो वाहन है वो अब रेलवे स्टेशन तक नहीं आ सकती है, जिसकी वजह से काफी समस्याएं यहाँ के स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही है। खास करके जो इस क्षेत्र पे जो बाजार है, खास करके बुधवारी बाजार है, वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग खरीदारी करने आते हैं उनको काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है तो कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर वाहन खड़ा करता है तो उन पर 200 से 500 रुपए चालान करने की जो है वो निर्देश दिए हैं। हालांकि रेलवे इसे यातायात व्यवस्था को सुधार करना बता रहा है, इसके साथ ही जो सड़क है जिसे ब्लॉक किया गया है उसको यह बता रहा है कि यहाँ पर उस सड़क का कोई काम नहीं है, उस सड़क में आने जाने की कोई व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, यही वजह है कि उसे बंद किया गया है। फिलहाल रेलवे के इस फरमान के बाद से काफी आक्रोशित है यहाँ की जनता, और ये जनता यहाँ की मांग कर रही है कि रेलवे इस फरमान को वापस ले, पुनः उसी तरीके से जिन सड़कों को ब्लॉक किया गया है उसे फिर से बहाल करें। इसके साथ ही जो नो पार्किंग का जोन जो 1 से 1.5 किलोमीटर किया गया है उसका दायरा भी घटाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने सवारी यहां पर छोड़ने आते हैं तो उनको काफी दूर गाड़ियों को खड़ा करके पैदल आना पड़ता है। ऐसे में देखना होगा कि रेलवे प्रशासन के इस फरमान से जो जनता परेशान हो रही है, क्या जनता की परेशानी को लेकर रेलवे कोई नया निर्णय लेता है, क्या अपने जो निर्देश उन्होंने जारी किया है क्या वो वापस लेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और अब वक्त है सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचने का। सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उमेश के पास हम आपको लिए चलेंगे और उमेश से और ज्यादा जानकारी इससे पर लेंगे। उमेश, दो पहलू हैं, एक रेलवे का अधिकार क्षेत्र और दूसरा कि ट्रैफिक जाम से निजात के साथ साथ रेलवे के मुसाफिरों को सहूलियत होनी चाहिए। अब अगर ये एरिया इतना बढ़ा दिया जाएगा, वाहनों का प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो जो बेसहारा, जो कमजोर हैं, जो दिव्यांग हैं, जो बीमार हैं, जो मरीज हैं, वो स्टेशन तक किस तरह से पहुंचेंगे, सवाल नंबर एक। दूसरा कि जो तर्क दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से, वो तर्क है या उसे कुतर्क कहा जाए। उमेश जी, बिल्कुल ललित जी, देखिए इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। रेलवे ने दो फरमान जो जारी किया है, उन दोनों फरमान को आपने विस्तार से बता दिया है। एक तो ये कि नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है उन्होंने 1 किलोमीटर दूरी तक, और दूसरा इस तरीके से रेलिंग लगाकर लगभग यहां पर रेलवे से जो कनेक्टेड होते हैं रोड, लगभग 50 से अधिक रोड है, ऐसे में 20 से 25 ऐसे रोड है जिसमें रेलिंग लगा दी गई है, और इस तरीके से जो लोग हैं वो अपने घरों तक जाने के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, उसके बाद वो घर पहुंचते हैं। आपने एक जिक्र किया कि अगर कोई परेशान है या तबीयत खराब है या बीमार है तो उसको अस्पताल ले जाते समय भी क्या स्थिति हो सकती है, तो ऐसे में हमारे साथ सीधे तौर पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्या उनके सामने आन खड़ी हुई है और इसको लेकर क्या लगता है कि ये जो रेलवे का फरमान है कितना सही मानते हैं। ये बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण पांडे जी का फरमान है, जो पिछले 3 महीने से रेल कर्मचारी नहीं बिलासपुर के आम नागरिकों पर हमला है, जिन्होंने सबसे पहले भारत माता स्कूल जो उनके घर के सामने पीछे एकदम लगा हुआ है, वो एक रोड है जो DRM का घर से शुरू करके GM के सामने से जाता है, पर जनरल मैनेजर जो महाप्रबंधक है उनके घर के सामने का रास्ता खुला है, वहाँ 4 चक्का 6 चक्का गाड़ी चल सकता है, पर हमारे मंडल रेल प्रबंधक को ये लगता है कि उनके घर के सामने से कोई व्यक्ति हट चलना नहीं चाहिए, सबसे पहले वो रास्ता वो बंद किए। पर रेलवे तो ये बता रहा है कि वहाँ पर व्यवस्था को बेहतर करने का बात कर रही है, यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगा, जो सड़क में जाम की स्थिति बनती है उसको दूर करने के लिए इस पर फैसला लिया गया है। देखिए, वो भारत माता स्कूल के बगल में जब पहली सड़क बंद किए और लगातार विरोध हुआ, जन विरोध इकट्ठा हो गया, तो उस फैसले को सही करने के लिए वो सभी कॉलोनियों में बंद करने लगे। रेलवे के जो भी अधिकारी ये बता रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों से कोई बात नहीं की गई है, संगठनों से कोई बात नहीं की गई है। रेलवे नगर निगम के अंतर्गत आता है, रेलवे कर्मचारी का राशन कार्ड से लेके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम बनाता है, निर्वाचित पार्षद है, पार्षदों से बात नहीं किया गया। यहाँ तक कि आप जहाँ खड़े हैं सामने सेंट्रल स्कूल है, यहाँ जब छुट्टी होती है तो हजारों की संख्या में बच्चे इकट्ठे होते हैं, उन बच्चों को एक जगह मिलती थी कि थोड़ा सा घुस के साइड रोड में खड़े हो जाते थे, अब यहाँ जाम की स्थिति होती है, वही स्थिति भारत माता की है, वही स्थिति रेलवे इंग्लिश मीडियम की है, वही रेलवे हिंदी मीडियम की है, और तो और नो पार्किंग जोन
घोषित करके रेलवे कॉलोनी को ठेकेदार के अंडर में कर दिया गया है। ये जो हम कहते हैं ना, हम दो हमारे दो की सरकार, डबल इंजन की सरकार, वैसे अब ये डीआरएम और रेलवे ठेकेदार की सरकार हो गई है। आप ये बताइए कि ये जो फरमान जो जारी किया है, क्या बिल्कुल उचित नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल, वक्त की थोड़ी कमी है उमेश, बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ जो लोग थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राउंड जीरो लाइव में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।